और ब्लू वो लगा ली उसने, उसको मारना पड़ेगा। यहाँ पे दो बंदे पीछे, एक को किया नॉक और दूसरा भी खत्म। तो यहाँ पे अपनों ने यहाँ पे दो बंदे फिनिश कर दिए और अपना बंदा नॉक बैठा, उसने डैमेज कर दिया। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज अपने खेलने जा रहे हैं क्लैश को रैंक, और इसके अंदर जो अपने ग्लू वॉल का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ग्लू वॉल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इस मैच के अंदर। आप देखते पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लू वॉल जो है कितनी जो है इंपॉर्टेंट है हम इस मैच के लिए, मतलब हर किसी मैच के लिए और प्लेयर के लिए, तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। आप वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो भी चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो लाइक करके शेयर तो जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। तो पहले तो अपने चलते हैं आगे के साइड में, अपने को बंदे दिख चुके हैं, तो मैं तो थोड़ा आगे घूम के जाऊँगा, तो आपको दिख गया होगा मैं तो पीछे की साइड से घूमूंगा। तो अपने पहुँच चुके हैं बंदों के बिल्कुल बैक साइड में, तो चलते हैं आगे की साइड में। तो ये अपना एक बंदा तो उस साइड जा रहा है, तो अपने उसके पीछे यहाँ पर मेरे को लग रहा है बंदा है, तो हाँ बंदा है उधर देखिए ग्रीन, मतलब जो अपना ये बंदा है उसने बताया कि चलो। तो चलते हैं अपने वहाँ पे, गया उसको किया नॉक और एक बंदा बोरा उसको भी करते हैं, तो अपने टीममेट ने कर दिया फिनिश, वैसे कोई बात नहीं है। और ये राउंड तो वैसे आपको पता है पिस्टल वाला होता तो इतना मतलब खास नहीं होता, और क्योंकि आपको जो पता चलेगा ना इसके सेकंड राउंड में ही पता चलेगा और थर्ड राउंड में पता चलेगा कि ग्लू वॉल जो कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई दे आपको, जिससे पता चल जाए कि ग्लू वॉल जो कितनी इंपॉर्टेंट होती है हर प्लेयर के लिए। तो वो तो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा पूरा। तो मेरे को एक बंदा नहीं मिल रहा इनका लास्ट वाला, पता नहीं कहाँ पे चला गया। अब मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे गया, मेरे को लग रहा है यार या तो वो अटैक करेगा अचानक आगे। कहाँ पे है भाई, आजा। और ओ भाई साहब मेरे को लग रहा है एलिमिनेट हो गया वो तो खुद ही, कोई बात नहीं है। और चलो सेकंड राउंड में अब चलते हैं, और सेकंड राउंड अपना हो चुका है शुरू। तो आप इसके अंदर देखिए मैंने ले लिया P90 और ग्लू वॉल जो मैंने एक भी नहीं लिया। तो अब आपको इसमें बताऊंगा कि जो है ग्लू वॉल कितनी इंपॉर्टेंट होती है अपने लिए हर प्लेयर के लिए। वैसे तो चलते हैं पहले, अब मेरे को वैसे चलते हैं आगे सामने की साइड में जाऊंगा, इसमें प्लेयर के पीछे पीछे रहूंगा जिससे जो मैं अगर मरता भी हूँ तो ये मेरे को बचा ले। अब मेरे को नहीं पता ये बचा पाएगा या खुद भी मर जाएगा साथ के साथ, तो देखते हैं। वो तो बंदा कहाँ पे, ओ सामने की साइड में बंदा दिखा, थोड़ा उसे देते हैं थोड़ा बहुत जिसे मैंने डैमेज किया है। अब देखते हैं वो तो चल के पता चलेगा वहाँ पे कि मतलब जो कितना डैमेज है, उसे मारते हैं वॉल के पीछे हो सकता है। ओ ये रहा, इसे दिया मैंने डैमेज थोड़ा बहुत, और इसके बाद मैंने दिया ख़त्म, और इसका दूसरा बंदा भी ख़त्म। दोनों को लगा हेडशॉट, और हेडशॉट की वजह से जो है ये दोनों बहुत जल्दी किल हो गए। वो देखो इसका टीममेट मेरे को पक्का पता है बचाने तो आएगा, और बस अपने को उसे मार देना अगर वो इनको बचाने आएगा। तो मैं तो इनको फिनिश नहीं करूँगा, बस अपने टीममेट ना कर दे यार, जो अपने पीछे पीछे घूम रहा है ना अपने एक टीममेट, वो उसको कभी फिनिश कर दिया तो यार अपने फिर ऐसे ही जो है उनको मार नहीं पाएंगे। इसका मेन भाई सब उसने फिनिश भी कर दिया लो, और अपना एक टीममेट हो चुका है बिल्कुल नॉक, और फिनिश भी कर दिया उन्होंने, और अपने सिर्फ बचे हुए हैं दो प्लेयर। तो अब मेरे को लग रहा है वो उस घर के अंदर, अब मेरे को लग रहा नहीं वो जल्दी से इसके घर से निकलेगा, क्योंकि आपको ही पता है वो भी अब जो डर गया होगा क्या आर यू कॉमेडी मी कैसे मार पाऊंगा। और उनसे बस ये नहीं पता कि मेरे पास बिल्कुल भी ग्लू वॉल नहीं है, और वो ग्लू वॉल का अगर यूज़ करे तो वो पक्का जीत सकता है। तो वो तो देखते हैं ग्लू वॉल का यूज़ करता है नहीं करता, तो वो मेरे को लग रहा है। और वैसे अब इतनी देर होने बाद जोन आने के बाद वो देखते हैं, और मैंने तो यार ग्लू वॉल लगाई नहीं यार, और मारते हैं और डैमेज मैंने किया यार इसे थोड़ा बहुत। तो ओ भाई साहब मेरे को मार दिया, देखो यार अगर यहाँ पर मेरे पास ग्लू वॉल होती तो मैं बच भी सकता था, तो क्योंकि उसके पास डबल वेक्टर थी। तो अब मेरे को लग रहा नहीं अपना टीममेट मार पाएगा, क्योंकि उसके पास भी देखो नहीं मार पाया, उसके पास डबल वेक्टर नहीं है भाई साहब, उसके पास सिंगल वेक्टर है और एक दूसरी गन है, कोई बात नहीं है और छोड़ते हैं उसे। अब इस राउंड के बाद अपने को एक भी जो है मैच हारना नहीं है, वो क्योंकि आपको पता ही होगा वो तो। अब देखते हैं ये मैच अपने जीत पाते हैं नहीं जीत पाते, क्योंकि अब एक एक पे मैच बराबर है। अगर ये मैच हार गए तो अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है, उसके बाद अपने को लग नहीं रहा कि मैं जीत पाऊंगा। और इस मैच में आपको पता चलेगा कि ग्लू वॉल की एडवांटेज कितनी ज़्यादा होती है। तो बंदा गया उधर, मैं भी चलता हूँ उसे मारने के लिए पीछे से। अब देखो कैसे मारते हैं उसे, डैमेज किया उसने, ग्लू वॉल लगा ली और वो उसकी वजह से बच गया। और मैं देखता हूँ अब मैं पीछे की साइड में, पीछे की साइड से अपना बंदा हुआ नॉक और मेरे को भी किया नॉक। अगर मेरे पास ग्लू वॉल होती तो मैं बच सकता था यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है। अब ये राउंड जो अपने कोई बात नहीं है, कैसे भी अगर जीत जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को नहीं लग रहा जीत पाएंगे क्योंकि मैं भी हो चुका हूँ फिनिश, और अपना एक टीममेट यहाँ पे भी नॉक पड़ा है। तो अब एक बंदा बचा हुआ तो वो यार क्या कर लेगा, तो देखते हैं उसके पास ही चलते हैं। ये भी ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, अब उसके पास चलते हैं। आ गया ये, देखते हैं बचा पाएगा ये नहीं बचा पाएगा इस मैच राउंड को, तो वो तो देखते हैं। और उसके बाद वो आ गया, शॉटगन है
शॉटगन उसने बजाई और ये बंदा वहीं पे ख़त्म। तो अब जो है मैच शुरू होता है अपना, वो मतलब यानी अपना नहीं मतलब मेरा मैच मैं खेलूँगा अब, और मैंने ले लिया डबल वेक्टर। और अब इसके बाद मैं एक भी राउंड जो है एक भी राउंड हारने नहीं वाला, क्योंकि मेरे को पता है कि अब हार गए तो पूरा मैच हार गए अपने, तो अब तो मैं पक्का नहीं हारने वाला। तो देखिए मैं कैसे मारता हूँ, मेरे को जो ग्लू वॉल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा, आपको मैं पहले बता रहा हूँ इसकी मतलब इस मैच के अंदर बिल्कुल भी ग्लू वॉल का यूज़ नहीं करूँगा मैं। तो बस बंदा मेरे को दिख जाने दो और मैं बस कवर में रह के मार सकता हूँ उसे, पर ग्लू वॉल का यूज़ नहीं ले सकता कवर के लिए। तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा मैं बंदों को जो कैसे बजाने वाला हूँ। वो तो देखो सामने साइड में ग्लू वॉल लगी है, मतलब बंदा वहीं पे है पीछे की साइड में, तो देखते हैं कैसे, अगर जैसे ही आएगा उसको देंगे एक हेडशॉट और बंदा वहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं, आता ही नहीं आता, कभी आए ना तो अपने साथ स्कैम हो जाए। बाहर निकला, डैमेज दिया मैंने थोड़ा बहुत, आ गया फिनिश किया इसे, वैसे भी और अपनों ने उनके दो बंदे कर दिए नॉक, ये अच्छी बात है। और मेरे को बस कवर में रह के हीलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि उनका तीसरा बंदा भी नहीं पता नहीं कब कहाँ से प्रकट हो जाए, तो मेरे को कुछ नहीं पता। तो वो जैसे आएगा अपने को उस पर हम हल्ला बोलना होगा। तो आ गया, तो भाई साहब ये तो मतलब इसको मैंने टाइम कितना दिया है शॉटगन मारने के लिए, पर ये मार नहीं पाया। मैं जो घूम गया पूरा, फिर भी मैंने अपनी जो गन चलाई नहीं थी, और उसके बाद भी ये मार नहीं पाया। कोई बात नहीं, इसकी बैड लक था। और अब जो अपने देखते हैं इस राउंड के अंदर कौन जीतेगा। और ये राउंड जो सबसे मतलब जो आप पूछो मत कितना मतलब जो है ये सीन ऐसा होने वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि अपने जो तीनों टीममेट जो हो जाएंगे मतलब ख़त्म, और उसके बाद मैं अकेला बचूंगा इस राउंड को ले जाने के लिए। देखते हैं कैसे ले जाएंगे अपने। अपना पहला बंदा हुआ नॉक, मतलब ये भी स्टार्ट हो चुका है मैच, तो एक बंदा भी ख़त्म अपना, और अपने दूसरा बंदा उसको देते हैं डैमेज। वो सामने सामने बंदा थोड़ा बहुत मैंने हेडशॉट दिए उसे, थोड़ा लगा है डैमेज तो हुआ उसका। अब अपना दूसरा बंदा देखते हैं, अपने दो बंदे वैसे बचे हुए हैं भाई साहब, दो नहीं अब मतलब रह गए दो अपने, सिर्फ दो हम, अब मैं इसको गिन सकता हूँ। वैसे पहले अपने तीन थे, अब दो रह गए, और ये मेरे को लग रहा है मार दे। ओ भाई साहब उसे भी ख़त्म किया, और ग्लू वॉल लगा ली उसने, उसको मारना पड़ेगा। यहाँ पे दो बंदे हैं पीछे, एक को किया नॉक और दूसरा भी ख़त्म। तो यहाँ पे अपनों ने यहाँ पे दो बंदे फिनिश कर दिए, और अपना बंदा नॉक बैठा, उसने डैमेज कर दिया। तो भाई साहब इसी के साथ ये राउंड देखो यार अपने कैसे जो लेके गए। अगर ये राउंड अच्छा लगा तो यार लाइक ठोक देना जितना हो सके, और वीडियो को शेयर तो कर ही देना, और सब्सक्राइब कर देना, जाके बेल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर देना। तो ये है अपना फाइनल राउंड, और इसमें जो सबसे ज़्यादा किल बता दो किसके होने वाले हैं, तो आपको पता ही होगा। वैसे पहले कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये मैच जो है बिना जो है ग्लू वॉल के मैंने जो है किया है, तो बस आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। बंदा देखो पूरा हेडशॉट दिया और बंदा वहीं पे ख़त्म, और अब उनका मतलब बचा होगा दो बंदे बचे हुए वैसे उनके, क्योंकि एक बंदा तो अपने नॉक, मतलब तीन बंदे बचे हुए हैं उनके, क्योंकि वो चार चार से मैच चल रहा है ना, मैं तो भूल गया। कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं हम। और यहाँ पे मेरे को बंदा हो सकता है यार पीछे के साइड से कभी ना जाए, तो मेरे को नहीं पता कहाँ से बंदा आएगा, तो वो तो आपने वो आगे जाना पड़ेगा बंदे को देखने के लिए, क्योंकि बंदा का कुछ नहीं पता कहाँ से कब प्रकट हो जाए, और देखते हैं वो तो कहाँ से आएगा। और ये राउंड में अपने सबसे ज़्यादा किल होने वाले, क्योंकि मैं जो अकेले ही कर लूँगा यार, क्योंकि ये राउंड अपने कितनी बार हारते हारते जीतेंगे। और ये जो बिना ग्लू वॉल के मैंने मैच किया है, तो ये आप मेरे को बताना कि मैं जो है ऐसे ही जो है मैच लेके आऊँ। तो सामने से बंदा किया खत्म। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।